लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको जमशेदजी टाटा की कहानी सुनाता हूँ। होटल वॉटसन ब्रिटिश का एक बहुत बड़ा होटल था। जमशेदजी टाटा जो रतन टाटा के पिताजी थे, जमशेदजी टाटा होटल वॉटसन में जाने लगे तो अंग्रेजों ने उसे रोका। अंग्रेजों ने उसे बाहर निकाल दिया और बोला, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी बदला यानी रिवेंज भी आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ा देता है। जमशेदजी टाटा ने बोला, तुम हिंदुस्तानियों को अंदर नहीं जाने दे रहे हो, ये इंसल्ट है। मैं एक ऐसा होटल बनाऊंगा जिसमें पूरी दुनिया के लोग आकर रहेगी। और जमशेदजी टाटा ने मुंबई के अंदर द ताज बनाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मुंबई की आन बान शान जो है वह हिंदुस्तान की है। कोई भी अंग्रेज ब्रिटिश से आता है, इंग्लैंड से आता है, तो कहीं जाए न जाए, लेकिन जमशेदजी टाटा के ताज में रहना चाहता है, जहां पर 26/11 का अटैक हुआ था। तुमको अगर कोई लड़की ना कह रही है, ऐसा करो कि तुम्हारे पीछे पीछे भागे वो लड़की, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा बनो और आगे बढ़ो, क्या मुंह लटकाए देवदास की तरह बैठे हो दोस्त। सुसाइड कर लेते हैं लोग, बहुत छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा इवेंट डिस्प्लेस्ड हुआ, बात ही समझ में आई, सुसाइड अटेम्प्ट हो जाता है। आपको बता दूं, हिंदुस्तान जो है वर्ल्ड में टॉप 10 कंट्रीज में आता है इन द मीन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट, कैन यू बिलीव इट। मैं आपको बता दूं दोस्त, सुसाइड इज अ नॉट परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ अ टेंपरेरी प्रॉब्लम, लेडीज एंड जेंटलमैन, और प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ ट्रांसफर होती है उन लोगों से उनकी फैमिलीज के ऊपर। याद रखिए, रिमेंबर माय वर्ड्स, जिद और पागलपन के लोग परसेंटेज में नहीं, नंबर में हुआ करते हैं दोस्त। भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, भीड़ की वजह बनिए, कुछ ऐसा कीजिए, अपनी लाइफ में सक्सेस होइए दोस्त, तभी दुनिया में वैल्यू है आप।